आज हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो जल्दी से देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, टू ओर्स ए एंड बी, टू ओर्स हैं जिसमें से फर्स्ट ओर है ए और दूसरा ओर क्या है बी। बट ये लिया है हमने ऑन हीटिंग ए गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब ए को ए ओर को हीट कर रहे हैं तो दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर एज आर बी गिव सल्फर डाइऑक्साइड। और जब बी को हम ट्रीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो दे गिव सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको ट्रिक याद है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर निकल रही है, इट मीन्स कि वो कौन सा ओर हो सकता है, वो कार्बोनेट ओर होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसका मतलब वो कौन सा होगा, सल्फाइड ओर। ध्यान से देखिएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो इट मीन्स वो है कार्बोनेट ओर, और सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है इसका मतलब वो कौन सा ओर है, सल्फाइड ओर। ठीक है, ये मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट के लिए प्रोसेस था। ध्यान दीजिए, तो ऐसे एलिमेंट के लिए हम कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते थे। फर्स्ट प्रोसेस में हम क्या करते थे कि मेटल को अगर कार्बोनेट है तो उसके लिए हम क्या करते थे, कैल्सिनेशन। ओके, और अगर सल्फाइड ओर है तो उसके लिए हम करते थे रोस्टिंग। उसके लिए हम क्या करते थे, रोस्टिंग। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आगे क्लियरिटी क्या हो गई, क्लियर आगे चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो हमारे यहाँ पे क्या था, मेटल कार्बोनेट, तो इसको हम क्या बना देंगे, Mg3। और यहाँ पे हमारा क्या था, मेटल सल्फाइड, इसको हम क्या बना लेंगे, Ms। ठीक है, तो मतलब मेटल हो गया और सल्फाइड हो गया। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कराते हैं। क्या पूछ रहा है कि व्हाट स्टेप यू विल व्हाट स्टेप विल यू टेक टू कन्वर्ट देन इनटू अ मेटल। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट स्टेप विल यू टेक टू कन्वर्ट इनटू मेटल। तो इनको जो है मेटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या स्टेप लगाओगे। तो कार्बोनेट ओर के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था कि मेटल को पहले कैल्सिनेशन दे, क्योंकि इसमें कन्वर्ट करते हैं मेटालिक ऑक्साइड, इसे भी मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या था, इसका हम करते हैं रिडक्शन, हम यूज क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम क्या यूज करते थे, कार्बन। ध्यान दीजिए, जो हमारा सेकेंड मॉडरेट, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, उसके लिए हम करते थे कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट ओर, रोस्टिंग फॉर सल्फाइड ओर। और इसके बाद क्या हमको मिलता था, मेटल ऑक्साइड। फिर मेटल ऑक्साइड को हम क्या करते थे, रिडक्शन, क्योंकि हमें मेटल चाहिए, मेटल ऑक्साइड नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कार्बन। और कार्बन क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होकर बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और रिमेनिंग हमारा क्या बच जाएगा, मेटल, जो क्या था हमारा, इंक्लोर। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। देखते हैं, देखिए कैसे हमें करना है। तो पहले क्या लिखना है, यहाँ पे लिखोगे ए, ए हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये कौन सा ओर है, ये है हमारा कार्बोनेट ओर। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे कि एम हमारा मेटल है और इसके साथ हमारा क्या लगा, कार्बोनेट ओर। तो कार्बोनेट के लिए हम क्या, कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे बच्चों, इसके लिए हम प्रोसेस यूज करेंगे कैल्सिनेशन। क्या यूज करेंगे, कैल्सिनेशन। ओके, कैल्सिनेशन क्या है, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है, ये हो गया मेटालिक कार्बोनेट, इसको हीट कर रहे हैं हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या देगा, ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे थ्री ऑक्सीजन है और यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी कितने थ्री ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना वन कार्बन, यहाँ पे भी वन कार्बन है, यहाँ पे भी हमारा मेटल क्या है, वन है। तो ये क्या हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, जो यहाँ पे लिखोगे कैल्सिनेशन, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, कैल्सिनेशन। ठीक है, अच्छा सेकेंड प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग, हमको मेटल ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, मेटल। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस में इसका करेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बन। ठीक है, कार्बन से हम रिडक्शन करेंगे, तो कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन से उतना ज्यादा है जितना ऑक्सीजन की इस मेटल से नहीं है। तो कार्बन क्या है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा सोल्यूशन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेटल और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सेकेंड प्रोसेस हमारा क्या हुआ था, रिडक्शन। ओके, तो दिस इज द टू प्रोसेस, फर्स्ट में कैल्सिनेशन और सेकेंड में रिडक्शन। ओके स्टूडेंट, तो अब चलो, अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, ये तो हमारा किसके लिए था, ए कंपाउंड के लिए था। ठीक है, ये तो हमारा ओर ए था, उसके लिए था। अब हम ओर बी के लिए देखते हैं कि बी ओर क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि जो हमारा बी था वो कौन सा ओर है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर द सल्फाइड ओर, और सल्फाइड ओर के लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। सल्फाइड ओर के लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। ठीक, तो हमारा
मेटालिक सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है मतलब और क्या था, मेटालिक सल्फाइड, सल्फाइड और था। कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था मतलब कार्बन के साथ हम क्या ऐड करेंगे, CO3। और सल्फाइड मिल रहा था मतलब सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा था, तो मेटल के लिए क्या, मेटल के साथ क्या यूज करेंगे, सल्फर। अब देखो ये हमारा मेटल ऑक्साइड। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रोस्टिंग। सल्फाइड और के लिए क्या होगा, रोस्टिंग। सल्फाइड और के लिए हमेशा हमेशा क्या होगा, रोस्टिंग। तो ये हो जाएगा सल्फाइड और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक। रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड, ये बनेगा मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा फर्स्ट प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस है रोस्टिंग, ओके। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। लेकिन हमको मेटल ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, बस मेटल। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे, रिडक्शन। किसके साथ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सेकेंड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, कार्बन। क्योंकि इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा है जितना कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, बहुत ज्यादा है। तो कार्बन क्या करेगा, इसको ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कार्बन जो है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के ऊपर आता है। तो कार्बन क्या, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू मॉडरेट रिएक्टिव मेटल एलिमेंट, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा मेटल और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंड प्रोसेस क्या हो रहा है, सेकेंड प्रोसेस हो रहा है आपका रिडक्शन, ठीक है। तो ये है आंसर। तो क्या आंसर लिखोगे, हमारा बी हो क्या था, सल्फर डाई सल्फाइड और था। तो सल्फाइड और के लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में कौन से दो प्रोसेस होता है, फर्स्ट में रोस्टिंग होता है और सेकेंड में रिडक्शन होता है। तो ये है हमारा ए के लिए, ए और के लिए, और ये था हमारा बी और के लिए। तो हम कैसे, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में करते हैं कैल्सिनेशन, हीटिंग इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो बी और था हमारा सल्फाइड और, तो सल्फाइड और के लिए हम क्या करेंगे, रोस्टिंग, ये था फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, रिडक्शन, ओके। और रिडक्शन क्यों करेंगे, इसमें दोनों के साथ रिडक्शन में क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन। तो ये हमारा था हाई ऑर्डर इंग्लिश क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट।